हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मॉड्यूलस पढ़ रहे, ये मॉड्यूलस का 18th वीडियो है। बड़ा सिंसियरली चल रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा पढ़ा रहे। भाई आप पढ़ रहे, सिंसियरली पढ़ रहे, रेगुलरली पढ़ रहे मालूम नहीं। सो ये आज कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। इसके पहले मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ाया है, उसके 18 लेक्चर्स है और ये भी इसका 18th लेक्चर चालू है। तो इसके कॉपी पेन लेना, वीडियो देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना और एक दिन में दो से ज़्यादा वीडियो कभी नहीं देखना, ठीक है। अभी तक इसके पहले लेक्चर में हमने देखा दो इक्वेशंस कंटेनिंग मॉड्यूलस हमने सॉल्व किया। दो इक्वेशन, वन में मॉड्यूलस था, एक में नहीं था, वो भी सॉल्व कर दिया। नाउ अभी ये क्या है, देखो एक ही इक्वेशन है इक्वेशन एक ही है, एक में मॉड्यूलस है, एक में नहीं है। कोई बोलेगा सर दोनों में मॉड्यूलस होगा तो उसके कंडीशन निकालना, करस्पॉन्डिंगली चेक करना। देखो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा एक्स लेस दैन जीरो। सो इसके भी क्या बोला उसने, इसको कितने सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस निकालो, बताओ कितने हैं और वो सॉल्यूशंस का सम क्या होगा बताओ। और क्या बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। सब्सट्रैक्शन के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, डिवीजन के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, व्हेरएज सम एंड प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करने का जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ देर आर टू केसेस। केस नंबर वन, देखो मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका एक वैल्यू हमने ले लिया क्वामा क्या रे, सॉरी मॉड एक्स प्लस के साथ ओपन हो गया तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ हम बार बार बोल रहे, क्या बोल रहे रे, इनइक्वालिटी टॉपिक में मैंने जो पढ़ाया है वो जरूर देखना क्योंकि इट इज अगेन इनइक्वालिटी। इसके फैक्टर क्या पड़े रे, इसके फैक्टर पड़े एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको जीरोज बोलते हैं, जीरोज आर एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। नंबर लाइन ड्रॉ किया इक्वल टू ग्रेटर एंड ग्रेटर देन जीरो है इसीलिए डार्क सर्कल आया, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस टू, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। बोला था जो पॉजिटिव है उसके राइट में प्लस लेना, अल्टरनेट प्लस माइनस लेते जाना, ठीक है। हमें क्या चाहिए रे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स का रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, दोनों भी इंक्लूड है, माइनस टू भी इंक्लूड है, थ्री भी इंक्लूड है। तो x belongs to minus infinity to minus 2 union 3 to infinity. So देखो भाई modulus दिया था, positive के साथ open किया, कब होता है जब greater than equals to 0, इसको zeros निकाले, number line पे draw किए, एक x equal to minus 2 आया, एक x equal to 3 आया। सो इसका रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। नाउ गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट रे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका नाम कर देते हैं दीदी वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये क्या आया रे, एक्स स्क्वायर
-2x - 8=0, ये भी क्वाड्रेटिक आया। क्या इसके फैक्टर्स पढ़ सकते हैं? x - 4 x + 2 = 0, x = 4, x = -2। देखो, हमने पॉजिटिव के साथ ओपन किया और उसमें रेंज मिला था -∞ to -2 and 3 to ∞। वो मॉड्यूलस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक मिला और इसके सॉल्यूशन मिले x = 4 and x = -2। क्या ये मिला हुआ सॉल्यूशन रीजन को सेटिस्फाई करता है? देखो, x = 4 था, 3 to ∞ में 4 आता है, सो ये सॉल्यूशन हो सकता है। देखो, x = -2 आया, ये -∞ to -2 यदि ओपन होता था क्या होता था? ओपन तो x = -2 नहीं लेते थे, ये क्लोज है तो x = -2 लेंगे। देयरफॉर x = -4 and x = 4 इज अ सॉल्यूशन। क्या हो सकता है? ये सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम खत्म हो गया रे? नहीं, क्योंकि ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। मॉड्यूलस में एक आ गया पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। सो पहला केस में कितना सॉल्यूशन आ गया? 2। नाउ चेक फॉर सेकेंड वेदर वी गेट एनी सॉल्यूशन और नॉट। व्हाट इज केस नंबर 2 रे? बोलो, व्हाट इज केस नंबर 2 रे? नाउ केस नंबर 2, दिस इज माइनस इक्वेशन नंबर 2 < 0। क्या हो रहा है? < 0। तो बाबू, < 0, जीरोज में कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, लेस देन माना। अरे लेस देन माना देयर इज होलो सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय होलो सर्कल? नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, और होलो सर्कल पे बहुत सारे क्वेश्चन इनइक्वालिटी टॉपिक में सॉल्व किए हैं, उसमें 18 लेक्चर्स है। मैथमेटिक्स यदि आपको मास्टर बनना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इंटरनेशनल लेवल पे इंजीनियर होना है, तो 11th 12th का मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से करना। मैं इंजीनियरिंग में गए 30 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, आज तक मैंने 30,000 बच्चों को पढ़ाया है, 5,000 से ज़्यादा बच्चे आज अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के बाहर है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। तो इसीलिए यदि उनके साथ बहुत बार मेरा कांटेक्ट होता है, बातचीत होती है, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन होता है, तब पता चलता है कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में कितना पार्ट प्ले करता है। इसीलिए इनइक्वालिटी क्या, ये चिल्लर है, मॉडुलस क्या चिल्लर है, लॉग क्या चिल्लर है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। चाहे कितना भी छोटा टॉपिक हो, कितने भी कंसेप्ट हो, लेकिन कंसेप्चुअली सॉल्व करना, जितना कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बराबर है भाई? कितना भी छोटा टूल हो, कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, छोटे टूल से ही खुल जाती है ना। इसीलिए कैलकुलस के, ट्रिग्नोमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम हो, सॉल्व तो बेसिक फंडे से ही होने वाला है। इसीलिए अलजेब्रा सेक्शन जो है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं कैलकुलस में करा लेंगे, ये क्या पढ़ना है, ये तो आसान है, और ये आसान होने के कारण छोड़ देते, पढ़ाई नहीं करते, और उधर वो टफ लगता है इसीलिए छोड़ देते, ये आसान लगता है इसीलिए छोड़ देते, वो टफ लगता है इसीलिए छोड़ देते, इधर भी नुकसान उधर भी नुकसान। यदि फ़ायदा ही फ़ायदा करना है तो छोटा से छोटा कंसेप्ट क्यों ना हो, उस पर दो दो चार चार क्वेश्चन सॉल्व करना। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनइक्वालिटी टॉपिक को देखना, क्योंकि इनइक्वालिटीज़, मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम, ये तीन टॉपिक यदि आपके अच्छी तरह से हो गए तो समझने का
जो कंसेप्चुअल मेनी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन आपको धोखा नहीं देंगे। सो प्लस माइनस प्लस, तो एक्स हमें निगेटिव चाहिए, एक्स लेस देन जीरो चाहिए, तो कहाँ होगा रे, इट बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा थ्री। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये क्यों लिया रे? क्योंकि ये लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो बोले तो निगेटिव साइन किसके बीच में है रे, माइनस टू एंड थ्री के बीच में है। सो एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस टू ओपन थ्री। सो एक्स स्क्वेयर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये उधर चला जाएगा, क्या होगा रे, क्या होगा रे, देखो भाई चेक, इसको मिटा दो, मिटा देते हैं। सो एक्स एक्स कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर। एक्स इक्वल टू फोर का मतलब क्या होता है रे, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस टू, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू टू। देखो भाई ये सॉल्यूशन कौन से इंटरवल के लिए है, ये सॉल्यूशन माइनस टू टू थ्री के लिए है। बोलो ये माइनस टू इसमें ऐड है क्या? नहीं, देखो ये होलो सर्कल है। होलो सर्कल क्यों है? क्योंकि लेस देन है। लेस देन क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू मॉडुलस का लेस देन जीरो के लिए है। सो ये टोटली इंटरलिंक्ड होता है। अच्छी तरह से समझ में आए तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है कितने भी प्रॉब्लम आ जाए हम बार बार भड़ा भड़ सॉल्व करेंगे, लेकिन समझ में ना आ जाए तो बाबा गए और दस में भी गया, ठीक है। सो इसमें x इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन एंड कॉमा x इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन। x इक्वल टू टू माइनस टू टू थ्री के बीच में आ रहा है। अरे आ रहा है। सो पहले केस में कितने सॉल्यूशन आए थे? दो। दूसरे में कितना आया? दो आ गए, लेकिन एक कुछ काम का नहीं है, एक ही काम का है और वो है टू। सो क्वेश्चन पूछा था फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, मिटा दो, मिटा देता हूँ। सो देयर आर थ्री सॉल्यूशंस, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस टू टू फोर, ठीक है ना। इसका सम पूछा था, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस माइनस टू प्लस फोर इट इज सिक्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस माइनस टू टू चार, ये आ गया माइनस सोलह। बहुत पंचट क्वेश्चन है, वैसे भी क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है जिसके कारण अपना थिंकिंग डेवलप होता है। एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स डेवलप्स प्रैक्टिकल रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। जब आपका मैथमेटिक्स का ब्रेन बहुत अच्छा हो जाएगा और जब आप कंपनी में सीईओ बन जाएंगे, बराबर है, मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन जाएंगे, तो प्रॉब्लम आते ही आप उसके बोलेंगे इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन, ये सर इसके 25 सॉल्यूशन है, 25 सॉल्यूशन पे 25 लोग लगा दिए, फटाफट आधे घंटे में सॉल्यूशन आ जाता है। और दिस इज दिस ब्रेन दिस कंसेप्चुअल थिंकिंग इज नाउ नीड ऑफ आवर, यही जग की आवश्यकता है, ठीक है ना। आज जो कोरोना चल रहा है, देखो कम से कम 14 महीने से जग परेशान है,
यदि ये कोरोना पे कंसेप्चुअली किसी ने कुछ निकाला होता फटाफट, तो जग का नुकसान जो अब जो करबो खरबो कटोरबो में हो गया वो ना होता ना। सो कंसेप्चुअल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। सो उतना कंसेप्चुअल थिंकर साइंटिस्ट बना नहीं, आप बन सकते हैं, बनो, अच्छी तरह से मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। किसी को लगेगा भाई एक मॉड्यूलस है और एक बिना मॉड्यूलस है, उसका एडिशन जीरो दिया तो कैसे सॉल्व कर रहा। देखो हमने दो मॉड्यूलस का एडिशन इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करके बताया, मॉड्यूलस का एडिशन लेके इक्वल टू कुछ वेक्स लेके सॉल्व करके बताया, दो मॉड्यूलस का एडिशन लेके आरएचएस में एक मॉड्यूलस लेके सॉल्व करके बताया। अभी मॉड्यूलस का एडिशन और बिना मॉड्यूलस, एक मॉड्यूलस एक फ्री ऑफ मॉड्यूलस, उसका एडिशन एक तो जीरो दे सकते हैं, कुछ कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक दूसरा क्या पूछ सकते हैं, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। किसको कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसमें जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशंस का सम क्या होगा और वो सॉल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये पूछा गया है। सो और हम कहाँ आएंगे, रे डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। सो बार बार टॉपिक का कंसेप्ट रिवाइज करना, कंसेप्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यदि कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ना तो चलते चलते दिमाग में आंखें बंद किया एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब घूट घूट के घोट घूट घूट नहीं घोट घोट के कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। सो दिस इज मॉड एक्स इज एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दिस इज माइनस एक्स एक्स लेस दैन जीरो। नाउ कितने केसेस पे काम करेंगे रे फंटा वही है, जब माना जब तक मॉड्यूलस रहेगा तब तक ये दो केसेस रहेंगे। कहाँ जाता है ना, जब तक दुनिया है चांद सितारे तो रहेंगे ही रहेंगे भाई, सूरज भी चलेगा ना, बिना सूरज का तो कुछ हो नहीं सकता भाई। सूरज जितना तपता है जितना में टेम्परेचर खोल के देता है उतना कोरोना कम होता है, हर एक का अपना स्पेशलिटी होता है। सो मॉड्यूलस का अपना स्पेशलिटी है, वो दो केसेस देता है। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर्स पढ़े रे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जनरली सभी इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते, लेकिन इसको जीरो बोलना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड पोल ऑफ द फंक्शन। जीरो क्या होता है, पोल क्या होता है, ये आपको डिटेल में पता चलेगा इनइक्वालिटी में। सो इसीलिए कभी भी कौन से भी सब्जेक्ट में मास्टर बनना है तो उसके पहले जो सिलेबस के टॉपिक दिए जाते हैं वो टॉपिक में कुछ भी हो जाए मास्टर बनना बराबर, उसमें अच्छी तरह से कंसेप्ट दिमाग में याद रखना, तब जाके आगे मज़ा आता है। नाउ जीरोज आर एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, देखो भाई माइनस थ्री माइनस वन, ये होलो सर्कल लेना डार्क सर्कल लेना इंक्लूड किए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये डार्क सर्कल हो गया। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए रे
greater than equal to 0. Therefore, x belongs to minus infinity to minus 3 union minus 1 to infinity. इन्फिनिटी ना आपने देखा ना मैंने देखा, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री आ गया, ये माइनस वन टू इन्फिनिटी आ गया। नाउ अभी क्या करते रहे, गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, मॉड ऑफ प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्या आ गया रे, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्या फैक्टर्स आए रे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर। नाउ एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर नीचे आ रहा है, देखो अभी चेक करते हैं। ये तो दोनों सॉल्यूशन हमने, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हमने ये दो सॉल्यूशन लिखा, लेकिन ये जो केस है ये केस के लिए रीजन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री माइनस वन टू टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर इसमें आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस टू इसमें आ रहा है क्या। देखो ये माइनस थ्री पे बंद हो गया, डॉटेड लाइन करना चालू कर दिया, देखो हमने मशीनरी चालू कर दिया, माइनस थ्री तक मशीनरी चालू हो गया, माइनस थ्री पे मशीनरी बंद हो गया, टुक 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 माइनस वन तक आ गया और माइनस वन से मशीनरी बंद हो गया। सो माइनस टू पे मशीनरी चालू था क्या, नहीं। सो एक्स इक्वल टू माइनस टू इज रिजेक्टेड एज इट इज नॉट इन द रीजन। सो व्हाट इज ओनली द सॉल्यूशन, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस फोर इज ओनली द सॉल्यूशन। सो पहला केस हमने सॉल्व किया बराबर, इसमें केवल एक सॉल्यूशन मिला, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर बराबर। सो यह मॉड्यूलस एंड फ्री ऑफ मॉड्यूलस का एडिशन जीरो दिया था। कोई बोलेगा सर कांस्टेंट दिया तो, अरे टेंशन मत ले, वो कांस्टेंट इधर ले ले, समझो ये पाँच उधर जाके माइनस पाँच होता था तो इधर लाके क्या होते थे, प्लस पाँच। टेंशन नहीं लेना, कंसेप्चुअली अपना लगाना, जितना कंसेप्चुअली लगाओगे ना उतना अच्छी तरह से साफ हो जाएगा ठीक है। नाउ केस नंबर टू, दिस इज इट इज माइनस इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज लेस देन जीरो, इट इज लेस देन जीरो। इसके जीरोज में कुछ फर्क पड़ा क्या रे, नहीं। देखो भाई कंसेप्ट में बहुत फर्क पड़ा बराबर है, वो था ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसीलिए डार्क सर्कल, ये है लेस देन जीरो, कंसेप्ट में फर्क पड़ गया, होलो सर्कल, दिस इज होलो सर्कल, दिस इज होलो सर्कल। नाउ लेस देन जीरो बोले तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव लेंगे, तो इसका रेंज क्या होगा, चेक, ओपन माइनस वन माइनस थ्री। सो क्योंकि निगेटिव चाहिए, सो अब क्या करेंगे रे, दिस इज गिवन दैट, सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज प्लस, आगे वाला मिटा दूं, इधर बाजू में लिख के रखता हूँ, एक सॉल्यूशन मिला था हमें
-4 इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपके पास लिखा हुआ रहेगा, मैं मिटा देगा तो मिटा देगा, बाद में मुझे समझ में नहीं आएगा क्या सॉल्यूशन था, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, देखो ये क्या होगा, -x² -4x -3 +2x +5 0 -x² -2x +2 0। अब क्या करेंगे रे, मल्टीप्लाई बाय माइनस, हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा दीदी बोलो, x² +2x -2 0। क्या इसके फैक्टर पढ़ रहे रे, नहीं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, b, 2, c, -2, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 12 बोले तो क्या होगा रे, +2√3 माइनस, सो -1 प्लस माइनस √3। सो दीदी, ए दीदी, कितने सॉल्यूशंस आए रे, चेक। नाउ इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या था दीदी, -3 to -1। सो दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन देखो, नहीं ये सॉल्यूशन आ गया ना, ऊपर तो प्रॉब्लम है, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू -3 to -1। सो देखो एक्स इक्वल टू -1 +√3, √3 का वैल्यू एक से बड़ा है, ये आ गया पॉजिटिव। बोलो हमारा रेंज क्या है, -3 to -1, -3 to -1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, नहीं, नॉट इन द रीजन, नॉट इन द रेंज, एक्स बिलोंग्स टू एंड नॉट अ सॉल्यूशन। ये -3 to -1 के बीच में आता नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं है, -1 to -3। सो ये क्या है रे, -3 से बड़ा है और -1 से छोटा है, सो ये वैल्यू -2 point something आ जाएगा, हाँ ना, ये 1 point something हो जाएगा, -1 2 point, ला इन द रीजन, रेंज बोलने के बजाय रीजन बोलो, रेंज जरा अलग होता है, लाइज इन द रीजन एक्स बिलोंग्स टू -3 to -1 एंड इज अ सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या था दीदी, -4, ये सॉल्यूशन क्या था दीदी, -1 to -3, क्या क्या थे, सो देयर आर टू सॉल्यूशंस, x = -4 एंड x = -1 -√3, और क्या बोला रहे, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इक्वल टू -1, दिस इज -5 -√3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस -4 इंटू दिस चेयर, एक चेयर 4√3। सो एक था मॉड्यूलस, एक था फ्री मॉड्यूलस, इसका जैसे एडिशन 0 दिया, सब्सट्रैक्शन दे दे, अरे क्या फर्क पड़ने वाला है,
we are going to use the definition of modulus. Modulus x is x, comma x greater than equal to 0. Modulus x is minus x, comma x less than 0. हमने दो केसेस ले लिए, दोनों केसेस में रीजन निकाला, सेटिस्फाई किया, जो वैल्यू रीजन में नहीं आता उसको रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आयुष.